सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 375 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग पहले जाकर के इस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर यिंग और एल्डर यांग अपने एक कंबाइन अटैक के साथ उन सभी शैडो गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से वो सभी गार्ड्स घायल होकर के दूर दूर जाकर के गिरते हैं। जबकि एक गार्ड उनकी पावर्स को फील करने के बाद कहता है कि ये तो इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। तो तभी ये सुन प्राइम मिनिस्टर जूजी कहते हैं कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये लोग अभी तक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स नहीं बने हैं। लेकिन इनके इस कंबाइंड मूव में एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट की अटैक की ही पावर है। तो योर मेजेस्टी, अब अगर यही आपकी क्षमताओं की सीमा है, तो अब आखिरकार मुझे आपको हार मानने की सलाह देनी ही होगी। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, हंसने में इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मेरा वो आदेश इन सभी गार्ड्सों से नहीं था, बल्कि इनसे था। तो अब इधर एम्परर के इतना कहते ही अचानक से दो लोग प्राइम मिनिस्टर जूजी को पकड़ लेते हैं, और वो दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि एल्डर यिन और यान होते हैं। व्हाट भाई, ये क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर जूजी के सबसे पुराने, सबसे खतरनाक दो हथियार उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। एल्डर यिन और यान तब से एम्परर के ही साथी होते हैं। तो अब एल्डर यिन और यान को खुद को पकड़ता हुआ देख प्राइम मिनिस्टर जूजी की तो भाई दुनिया पलट जाती है। वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम, लेकिन क्यों, आखिर तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो तभी एल्डर यिन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, हमें माफ कर देना, और इन सभी वर्षों में हमारी देखभाल के लिए हम उसका आपको धन्यवाद देते हैं। तो तभी एल्डर यान कहते हैं कि मगर लेकिन हम लोग हिज मैजेस्टी के डिवाइन ड्रैगन्स हैं, हम तो केवल तब से आदेशों का ही पालन कर रहे हैं। व्हाट भाई, तो ये हैं एम्परर के फोर्थ और फिफ्थ डिवाइन ड्रैगन्स। तो भाई इस बात का तो मुझे पहले ही थोड़ा थोड़ा शक था, जब शैडो किंग ने फोर्थ और फिफ्थ डिवाइन ड्रैगन को मेंशन किया था ना कि वो लोग इंपीरियल कैपिटल में ही मौजूद है। तो भाई सही कहूंगा, मुझे भी लग रहा था कि यही दो वो डिवाइन ड्रैगन्स हो सकते हैं, और मेरा शक एकदम सही गया। तो इसके लिए वीडियो पे लाइक तो बनता है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी ऐसा ही लगा था। फिलहाल चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो अब इधर जैसे ही सभी लोग उनको खुद को डिवाइन ड्रैगन्स कहते हुए सुनते हैं, तो इधर दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जूजी के साथ खड़े सभी मिनिस्टर्स की तो भाई पतलून गीली हो जाती है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ना सिर्फ वो लोग, क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरी ओर योंगनिंग में हैरानी में कहती है कि क्या एक्चुअली में ये लोग 5 डिवाइन ड्रैगन्स हैं? तो अब इधर योंगनिंग हैरानी में ये सब कह रही होती है कि दूसरी ओर भाई हमें प्राइम मिनिस्टर जूजी की ओर दिखाया जाता है। उसकी तो ये सुनकर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई होती हैं। वो चारों ओर पसीना पसीना हो गया होता है, दांत पीस के खड़ा होता है, लेकिन क्या करें, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यार मुझे बहुत बेकार लगा इसके लिए, मतलब इतने ज्यादा मास्टरमाइंड, इतने ज्यादा हाइप वाले कैरेक्टर को भाई बस इतनी आसानी से धोखा देकर के हरा दिया गया। भाई अब इस सब चीज को देख करके प्राइम मिनिस्टर जूजी भी पूरी तरीके से टूट करके कहता है कि मैंने इंपीरियल फैमिली के सभी एक्सपर्ट्स की रोस्टर सूची को देखा है, और वहाँ तुम लोगों का कोई नाम नहीं है। तो क्या आप दोनों एल्डर यिंग और यांग नहीं है? तो तभी ये सुन एम्परर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने मेरे आदेशों के अंडर तुम्हारी बातें मान तुमको फॉलो किया था, और उनके असली नाम है हेवन और अर्थ सेजिस। तो गाइस मैं तो इन्हें एल्डर यिन और यान ही कहूंगा। तो अब इधर उन दोनों एल्डर्स का नाम हेवन और अर्थ सेजिस सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जूजी और भी ज्यादा हैरान परेशान हो गए होते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी कांपते हुए कहते हैं कि क्या ये दोनों वही 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन्स में से हैं जो कि 300 साल पहले हुआ करते थे? तुम लोग जिंदा हो, तुम लोग अभी तक नहीं मरे। इतना कहकर के प्राइम मिनिस्टर जूजी उन दोनों की ओर घूर करके देखने लगते हैं, फिर वहीं पे एक पल के लिए रुक करके जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर आराम से कहते हैं तो फिर ये सब इस तरीके से होने वाला था, और मुझे ये सब अब दिख रहा है। आपकी महिमा की असीम बुद्धिमानता के साथ आपको अब तक मेरा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको ये बता सकता हूँ
की। मेरे 2 लाख आदमियों ने आप सभी को चारों ओर से घेर रखा है और उनके साथ उनके रास्ते में 1 लाख क्वांडरोंग कैवलरीज भी हैं, लेकिन वो लोग भी आपके जाल में फंस गए होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक आर्मी की आवश्यकता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि केवल डगुजेंटियन ही ऐसा कर सकता है, लेकिन वो तो रीजन स्टेट और जूफेंग को संभालने के लिए काम कर रहा है। तो योर मैजेस्टी, क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई और दूसरी ग्रेट फोर्सेस भी मौजूद हैं जिनके के बारे में मैं भी अभी तक नहीं जानता? तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर जूजी के इतना कहने के बाद क्राउन प्रिंस भी गौर से एम्परर की ओर ही देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि अब आखिर एम्परर क्या कहेगा। तो तभी एम्परर भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे, हमने एक दूसरे को कई सालों से देखा है और आपकी महत्वाकांक्षाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके के बारे में आप पता न लगा सको, और तुम्हारी इन चुभती हुई आंखों से ऐसी हरकत छुपा पाना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है। इतना कहकर के एम्परर अपने हाथ के इशारा करते हुए एलरियन और यान को प्राइम मिनिस्टर जूजी को छोड़ने के लिए कहता है। तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी एम्परर की बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारी इस बात के ऊपर पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं इस बात से भी काफी ज्यादा चकित हूँ कि आपके पास एक इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आ गई। मुझे अब तक इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे मैंने आखिर किस चीज को मिस कर दिया। तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी के इतना कहने के बाद मैं क्राउन प्रिंस की ओर दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि इंपीरियल फादर जरूर ही कुछ छुपा रहे हैं। पिछले विद्रोह से लेके इस विद्रोह तक ये सब कुछ और भी ज्यादा अधिक खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल सेना पहले कभी भी नहीं देखी गई। तो अभी तक क्राउन प्रिंस की ये सब सोचने के बाद दूसरी ओर मोटू यानी कि थर्ड प्रिंस भी ये सब देख अपने मन में कहता है कि तो एक एम्परर इस तरह से काम करता है। इतना सोच करके फिर वो भी हैरानी से अपने फादर की ओर देखने लगता है। तो तभी हमें एम्परर की ओर दिखाया जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जूजी से कहता है कि तो अब आप इतना कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसके बारे में ना जानने में ही तुमको ज्यादा आनंद मिलेगा। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि नहीं, आखिर अब एक मरते हुए आदमी को क्या परेशानी हो सकती है, और अब मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मैं अब इस सब के बारे में क्लियरली जानने के बाद ही मरूं। तो तभी एम्परर भी कहता है कि आप वास्तव में मेरे एक महान मंत्री हैं जो कि इन सभी दशकों से मेरी मदद कर रहे हैं। आप पिलर ऑफ नेशन, मैं आपके इस कामनेस, आपके इस शांति को एडमायर करता हूँ। इतना कहकर के एम्परर सामने की ओर इशारा करता है, अपना ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो उन्हें अब नीचे उतारो। तो अब इधर एम्परर के इतना कहते ही वहाँ की जमीन भी जोरों से कांपने लगती है और प्राइम मिनिस्टर जूजी जैसे ही पीछे मुड़कर के देखता है तो वो भी अपने सामने की उस सेना को देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उन सबको देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गाइस, अब इधर इसी सस्पेंस के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे खत्म करता हूँ। और अब प्राइम मिनिस्टर जूजी ने क्या देखा तो आप लोगों को इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अब जल्द से जल्द उस पार्ट को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। और इसी के साथ मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।